कौन से डायलॉग्स हैं जिन्होंने शाहरुख खान को रोमांस का किंग बना दिया। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूं सानिया सैफी, आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे शाहरुख खान के बारे में और उनके उन 5 डायलॉग्स के बारे में जिन्होंने न सिर्फ उनके कैरेक्टर्स को जिंदा किया बल्कि उन्हें अमर बना दिया और लोगों के दिलों में शाहरुख खान को किंग खान बना दिया। किसी भी फिल्म का सबसे ज्यादा जरूरी पहलू होता है उसके डायलॉग्स, क्योंकि ये जो फिल्म्स के डायलॉग्स होते हैं वो फिल्म खत्म होने के बाद भी लोगों के जहन में रह जाते हैं और कुछ डायलॉग्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि लोगों के लिए वो जिंदगी भर का इंस्पिरेशन बन जाते हैं और लोग उन डायलॉग्स को अपने साथ रखते हैं फिल्म खत्म होने के बाद भी और अपनी जिंदगी के आगे के सालों में भी उन डायलॉग्स को याद रखते हैं। तो ऐसे ही डायलॉग्स में से एक डायलॉग है फिल्म जब तक है जान का। 2012 में आई शाहरुख खान की ये फिल्म कैटरीना के साथ शाहरुख की पहली फिल्म थी। यशराज बैनर्स के अंडर बनी इस फिल्म में यश चोपड़ा ने 8 साल बाद, इससे पहले उन्होंने वीर ज़ारा में डायरेक्शन किया था, वीर ज़ारा में डायरेक्शन करने के 8 साल बाद वो वापस से डायरेक्शन की तरफ आए थे और शाहरुख खान के साथ उन्होंने अपनी 4th फिल्म और अपनी ज़िंदगी की आखिरी फिल्म डायरेक्ट की थी। इस फिल्म को लोगों का बहुत प्यार मिला और बड़ी खूबसूरती से एक अलग तरह की कहानी, एक अलग तरह की लव स्टोरी इस फिल्म ने पर्दे पर दिखाई थी। गुलजार साहब से तो सभी वाकिफ हैं और सब जानते हैं कि जब गुलजार साहब कुछ लिख देते हैं तो वो बात पत्थर पर लकीर जैसी हो जाती है और लोगों के दिलों को छूकर ही जाती है। तो गुलजार साहब ने ऐसे ही कुछ खूबसूरत बोल इस फिल्म के लिए भी लिखे थे, जिनमें से एक है कि तेरी आंखों की नमकीन मस्तियाँ, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियाँ, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयाँ, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। शाहरुख खान की आवाज़ में गुलजार साहब के ये खूबसूरत बोल और इस खूबसूरती से फिल्माया गया ये सीन जिसमें शाहरुख खान जा रहे हैं बाइक के ऊपर और बस पीछे से उनका वॉइस ओवर आ रहा है। इतनी सादगी से इस फिल्म को, इस सीन को आजमाया गया था कि लोगों को इसने एक प्यार भरा एक्सपीरियंस दे दिया, जो कि किसी भी रोमांटिक फिल्म का एक होल्डिंग पॉइंट होता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं करण जौहर की फिल्म कुछ कुछ होता है की। कुछ कुछ होता है के साथ करण जौहर ने बॉलीवुड में अपना डायरेक्शन का डेब्यू किया था। इस फिल्म को दुनिया भर का प्यार मिला था और साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई थी। शाहरुख और काजोल की जोड़ी को इस फिल्म में साथ देखा गया था और राहुल और अंजलि के कैरेक्टर्स को इन्होंने जिंदा कर दिया था और पूरी जान डालकर अपनी प्यारी सी केमिस्ट्री के साथ इस फिल्म को पेश किया था। इस फिल्म का शाहरुख खान का एक लेजेंडरी डायलॉग है जो कि आज 21 साल बाद भी रेलेवेंट है एंड आई गेस आगे भी रेलेवेंट रहेगा। डायलॉग है कि प्यार, प्यार दोस्ती है, अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार ही नहीं कर पाऊंगा। इतनी बड़ी बात इतने सिंपल से वर्ड्स में बोल दी और जिस तरह शाहरुख ये बात बोलते हैं वो इस बात को समझा गए कि दुनिया भर का कोई भी रिश्ता हो, कैसा भी रिश्ता हो, अगर उसके बेस में दोस्ती नहीं है तो वो रिश्ता, उस रिश्ते का फायदा नहीं है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इतनी बड़ी फिल्म से शाहरुख खान ने इतनी प्यारी सुंदर सी बात अपने स्टाइल में बोल दी। आगे चलते हैं कि मोहब्बत जो है इसका कोई सरहद नहीं होती, कभी भी कहीं भी कहाँ किससे क्यों कैसे हो जाए कोई नहीं जानता, और इस बात को बताया शाहरुख खान ने अपनी फिल्म वीर ज़ारा से। 2004 में आई यशराज बैनर्स की फिल्म, इसमें शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा जैसे उस वक्त के बड़े कलाकार एक फिल्म में एक साथ देखने को मिले थे। तो इस फिल्म से काफ़ी सारे इस फिल्म के डायलॉग्स ऐसे थे जो लोगों को छू गए थे और रुला दिया था लिटरली इस फिल्म ने लोगों को। इस फिल्म का एक डायलॉग है कि कभी भी कहीं भी एक दोस्त की ज़रूरत पड़े तो बस इतना याद कर लेना कि सरहद के पार एक शख्स है जो तुम्हारे लिए जान भी दे सकता है। वाह, बेशक जब प्यार सच्चा होता है तो मायने नहीं रखता कि हम कितना दूर हैं, कुछ मायने नहीं रखता और हम उस इंसान के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो इतनी खूबसूरत बात को इस फिल्म से शाहरुख खान ने बताया है और हम मान सकते हैं कि क्यों उनको रोमांस का किंग कहा जाता है। तो 2007 में शाहरुख खान की दीपिका पादुकोण के साथ फिल्म आई थी ओम शांति ओम। इस फिल्म को लोगों ने बहुत पसंद किया था और इस फिल्म में पुनर्जन्म को दिखाया गया था बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जो ट्विस्ट वगैरह थे वो बहुत अच्छे थे इस फिल्म के। इस फिल्म का एक डायलॉग है जो कि लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गया था, मतलब जो स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं लोग या जिनकी लाइफ से कुछ छूट रहा है, कुछ जा रहा है, उन सब लोगों के लिए जब ये सीन स्क्रीन पर आया था कि शाहरुख खान खड़े हैं हाथ में एक शराब की बोतल लिए और साथ में इमेजिन कर रहे हैं कि आगे भीड़ की भीड़ बैठी है और उन्होंने डायलॉग लिया,
तो लोग देखते रह गए और हॉल से निकलने के बाद भी वो डायलॉग उनके साथ था और आज भी लोग इस डायलॉग को याद रखते हैं कि इस फिल्म का डायलॉग है कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को आप पूरे दिल से पाने की कोशिश करो तो पूरी कायनात आपको उसको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। इतनी प्यारी लाइंस और लोगों को ये जो लाइंस हैं आज तक भी लोगों के दिमाग में फिट हैं और एज एन इंस्पिरेशन देखते हैं इन लाइंस को। इस लाइन से शाहरुख ने लोगों को समझाया कि भाई तुम छोड़ो मत, जो भी चीज़ तुम पाना चाहते हो ना उसको पूरी तरह से पाओ। अगर तुम्हारी लगन सच्ची है, अगर तुम्हारा फोकस सच्चा है, तुम्हारी मेहनत सच्ची है, तो कुछ भी हो जाए तुम्हें वो चीज़ मिलकर रहेगी। तो आखिर में हम जाते हैं शाहरुख खान की फिल्म मोहब्बतें की तरफ। मोहब्बतें फिल्म के लिए शाहरुख खान को की बहुत ज़्यादा तारीफ हुई थी। ये मल्टी स्टार फिल्म थी और इसमें शाहरुख खान के साथ हमें अभी अमिताभ बच्चन भी देखने को मिले थे और उन दोनों की जो केमिस्ट्री थी, मतलब जो ऑपोजिट थे वो उसमें, और जहाँ भी वो सेम टाइम पर आते थे, एक सीन में आते थे, तो वहाँ कुछ ना कुछ हीटअप सा नज़र आता था। तो इस फिल्म से शाहरुख की इस फिल्म में जो शाहरुख का जो कैरेक्टर है कि मतलब अपने प्यार को उन्होंने खो दिया है लेकिन फिर भी वो होप नहीं छोड़ते, तो इस फिल्म से उन्होंने लोगों को यही सिखाया कि चाहे तुम अपने प्यार को खो दो, चाहे तुम जिंदगी में सब कुछ खो दो, लेकिन ना एक होप नहीं छोड़ना चाहिए। वो ऐश्वर्या को खोने के बाद भी वो उसको चाहते रहते हैं और जो और लवर्स उनके आसपास होते हैं वो उनको मिलाने की कोशिश करते हैं कि ठीक है मैं नहीं मिल पाया तो क्या हुआ, बाकी सब तो मिले। इस फिल्म का शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि मोहब्बत भी जिंदगी की तरह होती है, हर मोड़ आसान नहीं होता, हर मोड़ पर खुशी नहीं मिलती। तो जब हम जिंदगी का साथ नहीं छोड़ते तो हम मोहब्बत का साथ क्यों छोड़ देते हैं। इतनी प्यारी सी बात इतने आसान शब्दों में समझा हमें सिर्फ शाहरुख खान ही सकते हैं और शाहरुख ने बात प्रूव कर दी है कि वो रोमांस के किंग है। तो हमारी तरफ से ये थी उनके 5 बेस्ट डायलॉग्स। आपको क्या लगते हैं कि और क्या डायलॉग्स हैं जो आपको पसंद हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक प्यार बांटते रहिए।